This conference will now be recorded. नमस्कार दोस्तों, आज बीएस के लिए एक अच्छा खुशी दिन था, कोई डाउट नहीं है। एक्चुअली आज थोड़ा डिले हो गया, मेरा इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम कर रहा था। तीन चार बार रिकॉर्ड कर लिया था, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। आखिरी बार ट्राई करा था मैंने, ये नहीं चल रहा, तो मैं आज पब्लिश करने वाला नहीं था। ओके, इसको वीडियो शॉर्ट रख लेता मैंने। ओके, अब आज मार्केट के व्यू देखने के पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। प्लीज नोट, ये जो भी व्यूज है मेरा ये वीडियो में, मेरा खुद का व्यू है। आपका जो भी नुकसान होता है ये वीडियो देख के ट्रेड लिया तो मेरा जिम्मेदारी नहीं है। आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके आप ट्रेड ले लीजिए। सो पहली चीज देख लेते हैं ओपन इंटरेस्ट का। एफएस ने आज 18,000 कॉन्ट्रैक्ट का बेच दिया। सो लॉन्ग फ्यूचर्स जो है 50,000 तक आ गया अभी, और कुछ माल टिक पाने का अभी क्लाइंट्स के ऊपर। अभी स्टॉक फ्यूचर्स को थोड़ा बढ़ा दिया 15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। लॉन्ग जो लॉन्ग कॉल्स में जो है ऑलमोस्ट तकरीबन 25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स को आज स्क्वायर ऑफ कर दिया, और थोड़ा 10-20,000 पुट लॉन्ग्स को बढ़ा दिया। एक्चुअली कल जो एक्सपायरी डे है शायद डाउन में होने का संभावना है, बट ज्यादा डाउन नहीं होने का संभावना है। वो भी देख लेते हैं कि किधर तक जा सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के लिए। और ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। पीसीआर जो है कल जो देख रहे थे हमने 1.6 में था, निफ्टी 1.63 हाईली ओवरबॉट में था। उसके लिए आज सुबह भी जब मार्केट का टेलीग्राम में चैनल में जो बोला कॉल बेचने के लिए, मैं बोल रहा था मैं कॉल बेचा था, और आज देखा तो अभी क्या हो गया, निफ्टी का 1.02 में आ गया, अभी न्यूट्रल में है। अभी एक निफ्टी बुलिश में और बैंक निफ्टी बेरिश में चल रहा है। सो कल के लिए शायद 29,000 पुट जो है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, इधर बिल्टअप ज्यादा है, शायद इधर तक रुकेगा कल, शायद नीचे भी जा सकता है, 29,000 के नीचे भी जा सकता है नहीं बट, लेकिन ये बंद होगा एक्सपायरी कल 29,000 के ऊपर ही बंद होगा, आजू बाजू में बंद हो सकता है, ये ज्यादा संभावना है। कल थोड़ा संभाल के ट्रेड करने का, ज्यादा वॉलटाइल रास्ता है कल, क्योंकि और ब्रिक्स भी बढ़ गया ना अभी। और निफ्टी के लिए देखा तो अभी 12,913 के बीच में बंद होने का संभावना ज्यादा है कल के लिए, लेकिन ओके देख लेते हैं। और लक्ष्मण ब्रेक का वीकली मिड पॉइंट के लिए अभी 12,860 जो है उधर, जो हमारा मिड पॉइंट है उधर एग्जैक्टली कड़ा है, आज क्लोज किया फ्यूचर्स का प्राइस है। और बैंक निफ्टी का वीकली मिड पॉइंट जो है 21,176 इधर, वो भी इधर आजू बाजू में खड़ा हो गया बैंक निफ्टी ने। इसके नीचे सस्टेन होता है दो दिन के लिए बेरिश होना मांगता है, लेकिन अभी ये एफएस वाले ने जो 50,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़ा है इसको भी बेचना पड़ेगा, वो तुरंत बेचे नहीं है, थोड़ा ऊपर खींच के बाद में बेचेंगे शायद। और कैश भी देखो, इतना दिन जो जबरदस्त खरीदार किया, मीडिया में पूरा हंगामा चल रहा था, ये 55,000 का कैश में एफआई खरीदार किया बोल के, वो सब अभी बंद हो गया, बस 24 करोड़ का खाली खरीदार किया आज एफआई ने। सो क्लियरली लग रहा कि 13,000 जो है अच्छा रेजिस्टेंस होने वाला है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 30,000 का जो है वो रेजिस्टेंस होने वाले है नियर फ्यूचर में। और इम्पोर्टेंट चीज है कि सेबी का भी एक गाइडलाइंस आ गया, आज पब्लिश हुआ था, आज शायद ये थोड़ा लेट में आया होगा, शायद उसके बाद मार्केट गिरना शुरू हो गया था, क्योंकि ये एफआईएस वाले ने भी जो सोचा नहीं होगा कि आज आ गया, पता नहीं है जो भी अंदर हो सकता है लोग को पता होगा। पकड़े जो बैन हुआ था नेकेड शॉर्ट सेलिंग का, वो बंद हो गया, मतलब ये नेकेड शॉर्ट सेलिंग अभी कर सकते हैं, अभी वही ये रिलीज से आ रहा है, डायरेक्टली नहीं आ रहा है, इनडायरेक्टली। जो 30th आप देख लो, 20th मार्च में जो सर्कुलर आया था उसमें जो है वो बोलता है कि ओनली टिल 26 नवंबर तक जारी है, वही बोल रहे हैं। और क्या क्या एडजस्टमेंट है, ये मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है उसके ऊपर एक नोट है, और जो मार्जिन है नॉन एफएनओ स्टॉक्स के लिए कैश मार्केट में वो कमती हो रहा है, वो भी विथड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, वो एक बोल रहे हैं, और कुछ नहीं है। सो मतलब ये शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं एफएस के लिए, ये इसमें बोलते हैं। आप ये सर्कुलर देखने का तो आप देखो sebi.gov.in में जाके मीडिया प्रेस रिलीजेस, वंस यू गो टू प्रेस रिलीज उसके अंदर पहली एक नोट आएगा ये, ठीक है। और मार्च का भी आप देख सकते हैं जाके।
एक नोट है, और दूसरा है आज देख लो कि इंटरडे में क्या हुआ था। 2 बजे तक, मतलब 1 बजे 2 बजे तक ऐसा ऊपर चल रहा था, आपको 1.5 घंटे के अंदर पूरा नीचे आ गया, पूरा खींच लिया था। इधर तक जो खड़ा था सो क्लाइंट वाले ने क्या किया, वो सोच रहे थे कि नीचे आएगा नीचे आएगा, मीन्स ऊपर इधर आके ऊपर खड़ा कर दिया बाद में। सो उसके लिए देखो क्या हुआ था आज, क्लाइंट्स का पोजिशन, क्लाइंट्स वाले ने थोड़ा कमती कर दिया। अभी 45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का जो शॉर्ट में थे उन लोग, अभी 30,000 कर दिया, मतलब 15,000 कॉन्ट्रैक्ट को कमती कर लिए। सो कल भी क्या करेंगे, सेम तरीके से थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे वो बाद में, वो क्लाइंट्स वाले, कल एक्सपायरी दिन भी है। सो उन लोग का जो शॉर्ट पोजिशन है शायद ये कल का एक्सपायरी हो सकता है ये। सो पूरा स्क्वायर करके लॉन्ग में जाने के लिए ट्राई करेंगे। और FIS वाले ने, उन लोग ने पूरा ये पूरा 50,000 कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर अप करके शायद ये शॉर्ट में जाने का संभावना है। लेकिन दूसरा जो चांस है कि क्या है, FIS में जो कैश में खरीदारी किया उन लोग ने 1-2 दिन के लिए रखने के लिए खरीदारी नहीं किया होगा। अभी देखो 10 महीने के लिए पूरा जो 48,000 करोड़ का बिकवाली किया, अभी इतना बस 25 दिन में इतना खरीदारी किया, तो शायद एटलीस्ट 2 हफ्ते के लिए भी रखेंगे इसको, उतना जल्दी से नहीं बेचेंगे शायद। वो ये सोच के ऊपर सोच रहा कि अभी उतना ज्यादा नीचे जाने वाला नहीं है, लेकिन आपको ये ट्रैक रखना पड़ेगा कि किसा कितना जल्दी बेच रहे हैं उन लोग। अभी देखो मार्च में भी क्या है, 65,000 करोड़ का जो बेचा उन लोग, ठीक है, वो इतना डीप जो फॉल किया था उसमें इतना बस बेचा था, अभी पूरा खरीदारी कर लिया, हाई रेट में खरीदारी कर लिया, शायद और थोड़ा ऊपर खींच के शायद 13,100 तक वापस लेके जाके डबल टॉप करके शायद नीचे गिर सकते हैं अगले महीने के लिए, एक संभावना है। आपको बस लेवल्स के ऊपर काम करने का, लेवल्स के ऊपर काम करने के लिए अभी डेली के लिए एक लेवल्स दे रहा हूँ मैंने, ये कैमरला पिवट पॉइंट है, आप गूगल में सर्च किया तो कैमरला पिवट पॉइंट आ जाएगा। लॉन्ग ब्रेकआउट शॉर्ट ब्रेकआउट देख लो, लेवल्स 13,000 का निफ्टी में और 12,700 का शॉर्ट ब्रेकआउट है, ठीक है। और दूसरा है कंक्लूजन में टेक्निकल्स देख रहा हूँ मैंने, 60% बुलिश है और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए, और न्यूट्रल 20% है और बेरिश 20% है। सो मतलब 50% ऊपर है तो मतलब वो न्यूट्रल में समझ सकते हैं, तो ज्यादा बेरिश भी नहीं है ज्यादा बुलिश भी नहीं है, सो न्यूट्रल में चल रहा है। आपको पुट खरीद के लेके जाने के नहीं है नेकेड में, वो भी पर्टिकुलरली, क्योंकि वो नेकेड कॉल पुट खरीदते हैं ऑप्शन, उसको हेज नहीं कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। आज का चार्ट भी देख लो कि क्या हो बोल के, हम एक चार्ट देख लेते हैं डेली चार्ट में, आज टेलीग्राम में भी डाला था मैंने। सो ये जब बड़ा ये कैंडल आया था ना, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल आया था, 1, 2, 3 ये वैसा वाला कैंडल जो है, 4, 5, मतलब 4 महीने में 4 कैंडल आता है, ठीक है। जो पुट खरीदारी करते हैं उन लोग के लिए ये दिन में शायद फायदा हो जाएगा, बाकी दिन के लिए नुकसान होगा। सो आज भी क्या होगा, साइकोलॉजिकली जो भी लोग ऊपर गया, जब गया था पुट खरीदारी करके नुकसान किया था, आज पुट खरीदारी करने के लिए उतना दम नहीं आया होगा शायद, इधर बहुत सोचते होंगे 2 बजे तक रोक के बाद में पुट खरीदारी करने के लिए तो मन भी नहीं आएगा। सो उसके लिए क्या बोलते हैं कि जब भी, जब मार्केट में कल भी बोला था, जब भी आपको बेरिश मूड में तो आप कॉल बेचने के लिए ट्राई करो, उसमें ज्यादा चांस संभावना है प्रॉफिट करने के लिए भी। जब सुबह भी बोला था टेलीग्राम में, जब निफ्टी में जब 13,100 का कॉल बेचने के लिए बोला था, वो थोड़ा अच्छा मुनाफा मिला था। अभी एक्सेल डैशबोर्ड भी देख लेते हैं एक बार। सो एक्सेल एक्स में देखो 1,300 का कॉल जो है सुबह 93 गया था, मैं 91 में शायद बेचा था, मैंने 6 रुपए में क्लोज किया, 90 रुपए का प्रॉफिट है, मैं उतना दूर तक नहीं रखा, 30 रुपए में क्लोज कर दिया, और नीचे 13,050 का कॉल बेचा, 13,000 का कॉल बेचा था, ऐसा करके नीचे चल रहा था। क्योंकि ये फायदा नहीं है 5 रुपए 6 रुपए के लिए आपको उतना दूर तक होल्ड करने के नहीं है। जब भी आपको ये ऊपर जो इंडिकेशन है, मैं पहले भी बहुत सारा बोला क्या क्या है बोलते हैं एक्सेल डैशबोर्ड में, सो ये जो भी इंडिकेशन आपको दो दो आ गया रेड में, मतलब आप बेरिश मूव के लिए रेडी होना मांगता है, और ग्रीन में जब आ गया, 3-4 ग्रीन में आ गया, आपको दो भी एटलीस्ट दो ग्रीन में आ गया और पुट का सिग्नल सेल आ गया, मतलब देन आपको पुट बेचने के लिए रेडी होना मांगता है।
और आज भी देखो क्या हो रहा था, ये पूरा सुबह 200 पॉइंट्स का रेंज क्रिएट किया था 15 मिनट में, उसके बाद थोड़ा ब्रेक किया 40 पॉइंट का ब्रेक किया रेंज ऊपर, उसके बाद पूरा दिन 15 मिनट के बाद मतलब 10 फ्रेम के बाद पूरा दिन वो रेंज नीचे ब्रेक करके तोड़ के तोड़ के तोड़ के 1000 पॉइंट का रेंज बना दिया आज बैंक निफ्टी ने। और निफ्टी भी क्या सुबह 15 मिनट में 20 पॉइंट का रेंज बनाया था, बाद में क्या किया नीचे तोड़ के दो तकरीबन 300 पॉइंट का रेंज बना दिया निफ्टी ने। आज टॉप 10 ओपरेटर्स क्या है, कॉल ही बेच रहे थे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, पूरा धनाधन धनाधन कॉल बेच रहे थे, और पीसीआर जो है 1.62 से ऑलमोस्ट 1 में आ गया था, ठीक है ना। और ये मेन पॉइंट है। और दूसरा है एक चार्ट दिखाने का, ये देख लिया आपने मिगिनली 20 और 200 का सेल आ गया, वापस जब ऊपर जाता है उस टाइम ही आपको बाय में आना मांगता है। मेरा बहुत सारा स्ट्रेटजी दिखा रहा हूँ मैंने आपको, जो भी स्ट्रेटजी अच्छा लग रहा है वो बस खाली फॉलो करनी है, बहुत चीज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये पावर ऑफ टू जो स्ट्रेटजी है बहुत अच्छा काम करता है। जब भी एक रेड आ गया मतलब क्लाउड के नीचे जाता बड़ा कैंडल से आता नीचे, उस टाइम बेरिश मूव के लिए रेडी हो जाना। आपका डाउट हो सकता है कि बहुत सारे लोग का एक क्वेश्चन आता है कि मुझे कॉल बेचने का और पुट खरीदने का, कॉल मींस ऑप्शन खरीदने का ऑप्शन बेचने का कौन सा अच्छा है बोल के, उसके लिए एक छोटा एक शीट बनाया मैंने आपको दिखा सकते हैं। ये सब बैंक निफ्टी के लिए एक लॉट बेचते हैं, दो लॉट तीन लॉट बेचते हैं, एक शायद आईसीआईसीआई डायरेक्ट में एक ऑप्शन प्लस बोल के एक प्रोडक्ट है, उसमें आप बेचते हैं शायद सुबह बैंक निफ्टी में 140 पॉइंट का बेचते हैं, 50 पॉइंट प्रॉफिट कल काली किया मतलब, तो क्या हुआ आपको प्रॉफिट हुआ 1250 रुपीज, 3000 का मार्जिन रखे आपको इतना प्रॉफिट हुआ, मतलब 40% का प्रॉफिट हुआ इंट्राडे में, ठीक है। इससे और क्या चाहिए आपको, करेक्ट। और निफ्टी भी देखो आज जैसे 90 रुपीज का बेचा प्रीमियम और 40 रुपए प्रॉफिट किया, एक लॉट के लिए 3000 का प्रॉफिट हुआ, 3000 का मार्जिन मतलब डबल हो गया आपका ऑप्शन सेलिंग में। इसमें प्रॉफिट कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में बाइंग में आपको व्यू करेक्ट होना मांगता है और शार्प होना मांगता है, परफेक्टली एंट्री होना मांगता है और एग्जिट करेक्टली होना मांगता है, आपका थोड़ा भी मिस्टेक हुआ पूरा उल्टा पुलटा हो जाएगा, एक याद रख लेना। पहले आपको ऑप्शन ट्रेडर का सक्सेसफुल होने के लिए आपको ऑप्शन सेलिंग एक दो लॉट में ट्राई करके आपको पूरा प्राइस मूवमेंट समझना पड़ेगा, उसके बाद ऑप्शन बाइंग के लिए जा सकते हैं, ऑप्शन सेलर से ऑप्शन बाइंग के लिए जाने का इज बेटर ऑप्शन है। और 20 मूविंग एवरेज का डे मूविंग एवरेज का जो है गैप जो 14% था बैंक निफ्टी में 5.5% आ गया, और लग रहा है कि तकरीबन 28,000 में शायद दोनों मिल जाएगा अगले हफ्ते में, दोनों 20 मूविंग एवरेज के आजू बाजू में आ सकते हैं बैंक निफ्टी अगले हफ्ते। और निफ्टी भी क्या है 3% में आ गया गैप, सो ज्यादा नहीं है गैप, मतलब कल के लिए चांस कमती लग रहा है, शायद 12,800 और 12,900 के बीच में एक्सपायरी का ज्यादा संभावना लग रहा है निफ्टी के लिए। और दूसरा बैंक निफ्टी में देखो एक ट्रेंड आ रहा था, जैसे देखो 18 में पॉजिटिव था नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये उस पूरे ऑल्टरनेट डेज में चल रहा है पूरा लास्ट 6 दिन के लिए, और पूरा 6 दिन के लिए क्या किया नेट नेट में 40 पॉइंट बस खाली कमती हुआ था और कुछ नहीं है। 40 पॉइंट मूवमेंट के लिए कितना मूवमेंट किया देखो, इतना सारा मूवमेंट किया 500-800 मूवमेंट पॉइंट्स के मूवमेंट करके बस 40 पॉइंट का मूवमेंट किया बैंक निफ्टी में। सो यही चलता है बैंक निफ्टी में, थोड़ा ऊपर ज्यादा टेंशन लेके ऑप्शन खरीद के आप मत जाना, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में हेजिंग नहीं कर सकते, एक मेन पॉइंट है याद रख लीजिए। और मैं ज्यादा नहीं करता मैं आज, क्योंकि कभी भी इंटरनेट जा सकता है, थोड़ा ये टेंशन हो रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। हम दूसरा है स्विंग लो देख लीजिए, अभी निफ्टी का स्विंग लो ये है, ये स्विंग लो जो है उसके नीचे जब जाता है वो एक लोअर लो बनाते और लोअर हाई बनाते, उसके बाद ही मार्केट गिरेगा, ठीक है। आपको बड़ा गिरावट के लिए सोचते तो वो टाइम याद रख लेना, जब ऊपर आता है स्विंग लोअर स्विंग हाई बनाता है उस टाइम ही आपको बड़ा पोजिशन के लिए रेडी होना मांगता है। अभी ये गैप तो फिलअप होगा, पक्का फिलअप होगा, बट आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा शांति से वेट करना पड़ेगा, क्या हो सकता है दिसंबर में हो सकता है, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग तो भी निकाह हटा दिया बैन, और जनवरी तक थोड़ा सिचुएशन थोड़ा खराब लग रहा है गुरु भगवान की जो ट्रांस की वजह से,
हो सकता है कुछ अगले 2 महीने में कुछ बड़ी गिरावट के लिए सोच सकते हैं। बड़ी गिरावट मतलब 11 साढ़े 11 हजार तक आ सकते हैं, इधर तक आ सकता है शायद सोच रहे हैं, क्योंकि पी रेशियो भी बहुत बढ़ गया है, 35 में कड़ा है, इतना पी रेशियो में सस्टेन नहीं कर सकते हैं। निफ्टी थोड़ा ज्यादा ही चल रहा है अभी, ठीक है, और ज्यादा कास्ट नहीं है आज, और आप ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर सोच के करना। कल गैप डाउन हुआ तो आपको 12,800 का पुट बेचने का और 20,000 का पुट बेचने के लिए सोच सकते हैं। बट लेकिन आपको VWAP याद रख लेना, आपका जो भी पैरामीटर्स में बोल रहा हूँ मैंने इधर, सब पैरामीटर्स याद रख के उसके ऊपर करना। कुछ लोग व्यू लेके खरीद लेते हैं, डिफरेंट तरीके से ट्रेड करते हैं, आपको जैसा भी करने का आपको मर्जी से कर लें, थोड़ा डिसिप्लिन में करने का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, जो भी करते हैं, आपको डिसिप्लिन से कुछ रूल सेट करके वो रूल्स के हिसाब से फॉलो करके ट्रेड करना बेटर। ठीक, ज्यादा और नहीं है, टेक केयर, हैव अ नाइस ट्रेडिंग डे, गुड नाइट।